स्टार प्लस का लोकप्रिय टेलीविजन शो है गुम है किसी के प्यार में अपनी रोमांचक कहानी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो में मुख्य किरदार साई, जिसे आयशा सिंह निभा रही है, नए मुठभेड़ों और अनुभवों के साथ पूरी तरह से अलग दौर से गुजर रहा है। साई समय में एक अनोखे स्लॉट में फंस गई है, जहां वह तय नहीं कर पा रही है कि किस दिशा में जाना चाहिए। आमतौर पर जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं तो हम मार्गदर्शन के लिए अपने करीबी दोस्तों का रुख करते हैं। इस शो के अपकमिंग ट्रैक में साई एक मुश्किल जगह पर फंस जाती है, जहां उसे अपने जीवन में एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ती है जो उसकी मदद कर सके। दिलचस्प बात यह है कि साईवा कौर मोंगा का एक नया किरदार एक कलाकार के रूप में सेंटर में आता है, जो कुछ ही मिनटों में कुछ भी पेंट कर सकता है। किस्मत से साईवा को साई की पिक्चर बनाने का मौका मिलता है, जहां दोनों महिलाओं एक दूसरे के साथ बातचीत करती है और उनकी दोस्ती की यात्रा शुरू होती है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भवानी और साई पाखी को लेकर अस्पताल जाएंगे, क्योंकि पाखी ने बताया कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। पाखी भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर साई को ये बताने जाती है तो अचानक से डॉक्टर को कोई गोली मार देता है। बता दो, गोली मारने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि वैशाली है। वैशाली ये अपनी बेटी की खुशी के लिए करती है और ये करने में उसे कोई दुख नहीं है। अब क्या वैशाली और पाखी की सच्चाई सामने आ पाएगी या नहीं, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या पाखी और उसकी माँ की सच्चाई बाहर आ पाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।